जिला मुख्यालय आशाग्राम अस्पताल में भाजपा जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज आशाग्राम अस्पताल में निःशुल्क जाँच एवं रक्तदान शिविर में जनप्रतिनिधियों ने जाँच करवा कर रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक भाजपा द्वारा जन्मदिन सेवा समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं आशाग्राम अस्पताल के पुनः शुरू किए जाने के बाद भाजपा लोकप्रिय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी द्वारा आशाग्राम में आयोजित निःशुल्क जाँच व रक्तदान शिविर के दौरान अपने विचार रखे। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा आशाग्राम में आयुष्मान योजना भी स्वीकृत होने पर सभी को शुभकामनाएं दी गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा जांच करवाकर रक्तदान करने आए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया गया। भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अंकुश भावसार ने बताया कि आज 40 यूनिट रक्तदान किया गया और वहीं सेवा समर्पण में रक्तदान शिविरों का आयोजन लगातार किया जाएगा। मयंक पाटीदार जी साहब का कंधे से कंधा मिलाकर के जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए हमारे दिशा मंसूरी साहब का भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी एक रक्तदान यहाँ पर मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर करवाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रक्त की बूंद मनुष्य के शरीर के अंदर निर्मित होती है, ये किसी कल या कारखाने में नहीं मिलती। मैं भारत देश के एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये अपील करता हूँ कि आपको जीवन में जन्म दिवस के अवसर में या विशेष अवसर पर परिवार के सदस्यों को भी और समाज के लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रक्तदान जीवनदान और आपको जीवन में हमेशा रक्तदान करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी जी के जन्मदिवस पर देशवासियों से अपील करता हूँ, देशवासियों से अपील करता हूँ। भाई साहब, आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? हम सब के लिए गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सा दल है जो जन्मदिवस को सेवा समर्पण के नाम से मना रहा है। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा कामों के माध्यम से, जिसमें स्वास्थ्य शिविर है, रक्तदान आयोजन है, जहाँ पर हॉस्पिटलों में मरीजों को सुविधाएँ हैं, जहाँ पर विभिन्न होने वाले अनाज में सुविधा उपलब्ध कराने से तमाम प्रकार के सेवा प्रकल्पों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिला पदाधिकारीगण, हमारे और आज यह 23 तारीख को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के माध्यम से और ब्लड डोनेशन युवा मोर्चा के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे पार्टी के सभी लोग शामिल हैं, हमारे युवा साथी शामिल हैं। जो अभी ब्लड डोनेशन चल रहा है, लाखों की संख्या में बड़वानी जिले में आज मोदी जी के जन्मदिवस पर ब्लड डोनेशन का काम भी चल रहा है और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, जिनको कोई बीमारी है, जिनको कोई तकलीफ है, उनका निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा, डॉक्टर निःशुल्क देखेंगे और ये शिविर आज दिन भर चलेगा। और मुझे खुशी इस बात की देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस कोई फूल मालाओं से नहीं हो रहा, कोई मिठाई वितरण करके नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं देश की जनता की सेवा करने का माध्यम, स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से लोग कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं खरगोन बड़वानी लोकसभा की ओर से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जीवन दीर्घायु रहे, लंबी उम्र रहे, देश के लिए रहे, सेवा के संकल्प के साथ रहे, उनका जीवन देश के लिए रहे और लक्ष्मी को प्राप्त हो, यही शुभकामनाएं देता हूँ।